आपको पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को ये राइट देता है कि वो राज्यसभा में 12 मेंबर्स पॉलिटिक्स के बाहर से बुला सकते हैं जैसे जया बच्चन रेखा और सचिन तेंदुलकर जहां जया बच्चन काफी एक्टिव रही इंडियन पार्लियामेंट में 82% अटेंडेंस है उनकी नेशनल एवरेज 78% का वहीं सचिन तेंदुलकर और रेखा का 5 और 12% अटेंडेंस है देखो 20 लाख लोगों को एक एमपी रिप्रेजेंट करता है तो इतनी इंपॉर्टेंट पोजिशन और इतना कम इन्वॉल्वमेंट क्या सही बात है पहले भी इंडियन एक्टर्स ने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया और अब कंगना रनौत भी कैंडिडेट है मेरा क्वेश्चन आपसे है कि जब पॉलिटिक्स एक साइड बिजनेस हो सकता है